अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ऑटोमोटिव। तो दोस्तों, आज आपको दिखाता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑटो शो है जिसमें कार मैन्युफैक्चरर्स आते हैं, ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स आते हैं। आप डिफरेंट किस्म के नए नए पार्ट्स देख सकते हैं, नई नई गाड़ियाँ देख सकते हैं जिसमें ईवी गाड़ीज आई हैं, कितनी उन्होंने लॉन्च की हैं, एमजी ने, हुंडई ने, किया ने, बीवाईडी, इनकी गाड़ियाँ बहुत इंटरेस्टिंग हैं। और वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हैं तो उसमें एक इतनी मज़े की हुंडई की 1600 सीसी हाइब्रिड गाड़ी है जिसकी मिनिमम एफिशिएंसी है वो 25 किलोमीटर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस इज द पॉल ल्यूमिन और ये इसकी हेडलैम्प्स आ जाते हैं, चेक कर सकते हैं आप। तो ये ना आपको मैं इंटीरियर दिखाता हूँ ल्यूमिन का। काफ़ी स्मार्ट सी गाड़ी है, इसकी इंटीरियर आप चेक कर सकते हैं। और ये गियर नॉब आ जाता है, इसका रोटेट हो जाता है ये। और इसके अलावा ये लॉक्स आ जाते हैं डोर्स के, और साथ ही आप देख सकते हैं कि ये शीशे ऊपर नीचे आप करने के लिए। और ये स्टेयरिंग कितना खूबसूरत है इसका, और ये जो स्पीडोमीटर है इसका ये काफ़ी खूबसूरत आता है स्मार्ट सा। और ये इलेक्ट्रिक रिचार्जेबल स्कूटी है और रेंज आ जाती है यहाँ पे इसकी, और काफ़ी स्मार्ट सी। दिस इज इलेक्ट्रिक ऑटो जिसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो 7 से 10 लाख के करीब है। कौन लेगा यार, मैं तो नहीं ले सकता, गरीब आदमी का सोचा नहीं। ये जो है मैसिव फर्गुसन है, मैसिव फर्गुसन का 385 ऑल व्हील ड्राइव आता है। इसकी जो प्राइस आती है आप देख सकते हैं, क्योंकि इसकी प्राइस आती है कोई 52 लाख तक आती है इसकी प्राइस। तो आप एंजॉय करें इसकी वीडियो को। ये इसके गियर सिस्टम आ जाते हैं, ये ब्रेक्स एंड क्लच वगैरह यहाँ पे आ जाते हैं। फिर इसका स्पीडोमीटर आप चेक कर सकते हैं। तो एक्सपो के विजिट के दौरान अपने आइडियल और एक्सपर्ट कार रिव्यूअर सुनील सरफराज मंच से मुलाकात हुई फिर मेरी, और एक आर्टिस्ट वहाँ पे ड्राइंग कर रहा था। दीपाल S07 ये दिस इज टोटली इलेक्ट्रिक कार, और इसका आप रिम साइज देखें, और इसका जो स्लोगन आता है वो है इल्यूमिनेट द फ्यूचर। इसकी कलर, इसकी फिनिशिंग, इसका जो रियर व्यू आप देख सकते हैं कितना फ्यूचरिस्टिक फील देता है। और इसके अलावा आप इसके कट्स देख सकते हैं, इसकी शेप्स देख सकते हैं, SO7 का मोनोग्राम आता है, और इसका जो साइड प्रोफाइल है बहुत ही इंप्रेसिव है। एंड दिस इज दीपाल L07। इसका जो रियर है आप देख सकते हैं कितना इम्प्रेसिव है, इसकी जो लाइट्स हैं वो भी कितनी मज़े की ऐड की हुई हैं, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही हैं इसके ट्रंक पे। और इसका जो हैंडल है आप इसको अनलॉक करते हैं तो बाहर आ जाता है खुद ब खुद ही। अब ये देखें आप कि इसका इंटीरियर, इसकी साइड प्रोफाइल, इसकी जो फिनिशिंग है वो कितनी फाइन है, और इसकी जो स्क्रीन आती है वो जब आप बैठते हैं सीट पे तो वो खुद ब खुद आपकी तरफ रोटेट हो जाती है। और इसका कितना वाइड एंगल डिस्प्ले आता है अंदर, और इसका जो स्पीडोमीटर है वो भी काफ़ी स्मार्ट सा टैब की तरह। और इसके अलावा इसका डोर्स की क्वालिटी देख सकते हैं, इसका रियर जो पैसेंजर सीट्स आती हैं वो कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल फाइन फिनिशिंग है। ईवी कार्स में जो बिल्कुल आते हैं फाइन फिनिशिंग में आ रही हैं आजकल। और इसका जो आपको टायर साइज़ है वो दिखाता हूँ, इसका साइज़ किधर लिखा हुआ है भला, ये है इसका साइज़ है 245/45R19। एंड एज यू कैन सी द फ्रंट ऑफ दिस कार इज़ वेरी इम्प्रेसिव। और इसके कट्स, इसकी फॉग लैम्प्स, इसके जो नीचे बम्पर की किट आती है बाई डिफ़ॉल्ट वो कितनी खूबसूरत है। और इसका आपको बोनेट खोल के दिखाता हूँ कि अंदर खाली टैंक है। दोस्तों ये वो गाड़ी है जो गोल्फ वगैरह एरिया में यूज होती है। अब इसकी मटेरियल की देख सकते हैं फिनिशिंग, ये पाउडर कोटिंग भी नहीं है, और ये देखिए इस पे अभी से रंग लगना शुरू हो गया। इसके अलावा इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं, ये एक बंदा एक पाँव रखे उसने आगे और ये खराब हो गया। और ये एक आपको दिखाता हूँ दूसरा, जैसे ये हम कॉलेज में इस तरह की छोटी छोटी बोंगियां मारते थे और ये इन्होंने इस तरह मारी है। तो इसकी जो मैक्सिमम स्पीड आती है वो कितनी मैक्सिमम स्पीड इसकी 50 होगी मेरा कहना है, क्योंकि गोल्फ वगैरह एरिया में यूज करनी होती है। 60 तक है, वैसे इससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ठीक हो,
थैंक यू। तो दोस्तों अब आपको दिखाते हैं कि डी असेंबल क्रोला क्रॉस इतनी अमेजिंग चीज़ है इन्होंने यहाँ पे खड़ी की हुई कि एक एक चीज़ उसकी डी असेंबल है, आप एक एक पार्ट को क्लियरली देख सकते हैं। इसके अलावा आप चंगान का डिस्प्ले चेक कर सकते हैं, इसमें भी जो लॉन्च हो चुकी हैं वो गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे। अब ये चंगान रोशान है जिसका आप क्लीनलीनेस चेक करें, कितनी साफ़ गाड़ी है, और एक ये मक्खी तंग कर रही है इसके ऊपर बैठ के। एंड एज़ यू कैन सी द रियर व्यू ऑफ दिस कार, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और इसके साथ ही होंडा की बाइक्स हैं 110, 70, 150, ये चारों मैं आपको दिखाता हूँ। और इसमें 150 मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लग रही है, ये देख सकते हैं आप, काफ़ी इसका जो डिज़ाइन वो मेरा ख्याल है YBR से मिलता जुलता इसका डिज़ाइन है। एंड दिस इज़ न्यू एशियाज प्रोडक्ट BAW, और इसका जो फ्रंट चेक कर सकते हैं कितना इम्प्रेसिव है बम्पर किट इसकी, और इसकी जो साइड प्रोफाइल आप देख सकते हैं कि इसका जो डोर कितना बड़ा है, डेढ़ गुना जो नॉर्मल गाड़ी उससे डेढ़ गुना बड़ा इसका दरवाज़ा है। इसके बाद आप इसका इंटीरियर देख सकते हैं कि काफ़ी इसका डिफरेंट सा वियर्ड सा कम्बिनेशन है ब्लू एंड ग्रे के अंदर इसने किया हुआ है। और ये इसका स्पीडोमीटर टैब ही रखा हुआ है, किस्म का पुराना सा लग रहा है, गंदा सा, बट ये पुश स्टार्ट है। ये इसका गियर नॉब आ जाता है यहाँ पे, इतना मज़े का स्मार्ट सा। और इसका जो रियर सीट्स हैं वहाँ पे बच्चे बैठ सकते हैं, मतलब 5-6 फुट का बंदा नहीं बैठ सकता उसके लिए, हैसल टू सिट एट द बैक ऑफ दिस कार। और ये इसका रियर व्यू आप चेक कर सकते हैं कितना खूबसूरत है। और ये दूसरा वेरिएंट आ जाता है, उसकी साइड प्रोफाइल है फोर डोर आ जाता है, और इसको मैं दिखाता हूँ आपको अंदर से। नाइस यार, इसका बहुत खूबसूरत इसका इंटीरियर है, इसके कम्बिनेशन ब्लैक एंड ब्लू के साथ, ग्रे के साथ कम्बिनेशन आता है। ये आपको मैं ब्राइटनेस लो करके दिखाता हूँ, इसका जो डैशबोर्ड है कितना इंप्रेसिव है, आपको एक वेलकमिंग फील दे रहा है इसमें। इसका स्टेयरिंग अनकन्वेंशनल सब बड़ा मज़े का है, जैसे मैंने आपको टू डोर वेरिएंट में दिखाया उसमें भी इसी तरह का ही गियर नॉब। जैसा कि अभी इसके स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं कि एक चार्ज में 220 किलोमीटर इसकी रेंज आती है, सेफ एंड स्टेबल है, कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, इको फ्रेंडली है, क्विक चार्ज हो जाती है, 4 घंटे में चार्ज हो जाती है ये गाड़ी, ये वाली। और ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि CD70 का इंजन कैसे काम करता है, उसका एक एक पार्ट आपको क्लियरली विजिबल है अंदर जो उसके चल रहा होता है सारा सिस्टम। और ये CG125 का इंजन है, उसके अंदर आप देख सकते हैं इसके एक एक पार्ट्स किस तरह से काम करते हैं, कितना मज़े का लग रही है। उसके अलावा इनकी नई स्कूटी आई है होंडा की, वो काफ़ी वियर्ड सी उसकी शक्ल डिज़ाइन कह सकते हैं आप। और ये मिल्लत का फोकलिफ्ट ट्रक लिफ्टर है, और ये आप देख सकते हैं जो जहाँ पे हम कहीं गलत गाड़ी खड़ी करते हैं तो हमारी गाड़ी उठाई जाती है, और वो यही उठाता है आगे। ये आप स्पेसिफिकेशंस देख सकते हैं, काफ़ी डिटेल्ड में इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एक एक चीज़। इसका इंजन आप यहाँ पे देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। एंड दिस इज़ ओकला EV बाइक्स, और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने डिज़ाइन इनके बनाए हुए हैं। और जैसा कि ये आप देख सकते हैं कि ना ये काफ़ी साइज़ में ह्यूज लग रहा है, क्योंकि नॉर्मली आप देखें तो हमें छोटे साइज़ के स्कूटीज़ नज़र आती हैं जो दूसरी कंपनी से बनाई, मेट्रो की भी हैं। और इसके अलावा ये बहुत फिट बना हुआ है इसका डिज़ाइन, ये इनकी बाइक है, ये भी काफ़ी इम्प्रेसिव है यार। ये इनकी न्यू एशिया वालों की बाइक्स हैं, ये भी काफ़ी खूबसूरत इन्होंने डिज़ाइन बनाए हुए हैं। और ये एक इनकी स्कूटी है, देख सकते हैं आप इसका कलर कम्बिनेशन कितना मज़े का, ऑरेंज एंड ब्लैक में, और इसका ये स्पीडोमीटर आ जाता है। इसका डिस्प्ले काफ़ी गुड क्वालिटी है, और इसकी रेंज भी अच्छी है। तो दूसरे हॉल में चलते हैं, आपको वहाँ जाकर दिखाते हैं कि वहाँ कौन कौन से ब्रांड्स ने पार्टिसिपेट किया हो। तो ये दूसरे हॉल की एंट्रेंस है, यहाँ से हम जाते हैं अंदर। तो दोस्तों ये किया और बिगो वालों का डिस्प्ले है यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, दिखाता हूँ आपको। ये बिगो का फेसलिफ्ट है जो भी इन्होंने यहाँ पे खड़ी की हुई है। उसके अलावा ये आयोनिक 5 है, इसका फ्रंट व्यू देख सकते हैं, इसका इंजन ओपन है, ये भी आपको दिखाता हूँ कि इसका आप सकते हैं और इंजन देख सकते हैं। इसका ये चार्जिंग पोर्ट आ जाती है यहाँ पर। और इसके अलावा इसका चेक करें कितना इंप्रेसिव है यार इसका रियर व्यू। और इसके अलावा जब आप डोर्स को अनलॉक करते हैं तो इसके हैंडल्स खुद ब खुद बाहर आ जाते हैं। और इसके अलावा इसका आप इंटीरियर चेक करें कितना फाइन क्वालिटी में इसका इंटीरियर, बहुत खूबसूरत है यार। जब आपको आगे से दिखाता हूँ, इसको भी आप इसी तरह ओपन करें, और नीचे अगर आप देखते हैं डोर के नीचे तो यहाँ पे इसका मोनोग्राम आता है आयोनिक 5 का, और ये इसका इंटीरियर आ जाता है। डिस्प्ले आप चेक कर सकते हैं स्पीडोमीटर का कितना खूबसूरत आ रहा है।
तो इसके जो स्पेसिफिकेशंस आ जाते हैं आप देख सकते हैं क्लियरली इस वीडियो में, और ये हुंडई आयोनिक 6 आ जाती है, ये सेडान कैटेगरी में आती है। इसकी साइड प्रोफाइल कितनी कितनी फाइन कट्स क्वालिटी है, और इसका रियर व्यू आप देख सकते हैं, नाइस यार। ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जितनी भी हैं आसानी से आजकल पहचानी जाती हैं, अगर आप एक्सपो को विज़िट करें तो आपको इस तरह की गाड़ियाँ लगेगा कि यार तकरीबन एक जैसी गाड़ी हैं। और ये टैंक 500 है, आप इसको देख सकते हैं कितना ह्यूज लॉन्च हुआ, और इसकी फिनिशिंग, इसकी क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं कितनी इम्प्रेसिव है यार, कमाल है यार। इसका रिम साइज़ देखें, इसका इंटीरियर कम्बिनेशन बहुत गुड है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, जो कि नेक्स्ट डे की है वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। थैंक यू।